और श्रावण मास के तीसरे दिन भी बाबा नगरी गेरुआधारी कांवरियों से पटा रहा। कोरोना काल में दो साल से श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो सका था और इस साल श्रावणी मेले का उत्साह देवघर वासियों के साथ साथ जलार्पण के लिए आ रहे कांवरियों में भी देखने को मिल रहा है। तीसरे दिन 70,000 से अधिक कांवरियों ने बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक कर मनोकामना मांगी और पट खुलने के साथ ही पारंपरिक पूजा के बाद सुबह 4 बजे से कांवरियों के लिए जलार्पण प्रारंभ किया गया। बाबा मंदिर के निकास द्वार के ठीक बगल में लगे 3 ब्रह्मा अर्घा की व्यवस्था करने से कांवरियों को जलाभिषेक करने में सुविधा हो रही है। इससे कांवरिया अभी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और सीधा आपको लिए चलते हैं देवघर। हमारे साथ सहयोगी अमरनाथ मौजूद है। अमरनाथ, आज तीसरा दिन है, कल पहली सोमवारी है सावन का और जाहिर तौर पर देवघर का एक अलग रूप, एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही होगी। जरा तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखाएं कि देवघर में कैसे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कांवरिया पहुंच रहे हैं बाबा के जलाभिषेक के लिए। राजा, देखिए आज सावन का चौथा दिन है और सावन की चतुर्थी तिथि भी है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जब मंदिर का अगर नजारा दिखाएं कि किस प्रकार कांवरियों से पटा पड़ा हुआ है यह मंदिर, और चतुर्थी तिथि होने के कारण विशेष महत्व है बाबा बैद्यनाथ की पूजा के लिए। और यह मास जो होता है सावन का महीना, इसमें शुक्र के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा होती है और यही कारण है कि सुहागिन जो औरतें हैं वे बाबा बैद्यनाथ की या फिर कहें कि भगवान शंकर की पूजा करती हैं। मैं आपको बताऊं कि आज का ये जो है आप देख रहे हैं मंदिर में किस प्रकार का दृश्य है, ये सावन का रविवार है और रविवार का ये दृश्य है। कल सोमवार होगा और कल सोमवार को जो दृश्य जो होगा ये लगभग इससे दोगुनी भीड़, यानी कहें कि पूरे मंदिर में कहीं भी पैर रखने का जगह नहीं होगा। और पूरा का पूरा प्रशासन कहिए कि श्रावणी मेला के सोमवारी को लेकर के विशेष तौर पर अभी से ही कमर कस चुका है। कल ही देवघर में के डीसी उपायुक्त डीसी एसपी सहित पूरे जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी थे उन लोगों ने सभी पूरे रूट लाइनिंग का और पूरे कांवरियों के लिए जो व्यवस्था की गई है उसका उन्होंने मुआयना किया है। लगभग देर रात तक यह मुआयना का कार्यक्रम चला है तो अधिकारियों का, और इसके बाद उन लोगों ने संतुष्टि जाहिर की है कि पूरा का पूरा जो व्यवस्था है कांवरियों के आगमन को लेकर के वो पूरा का पूरा व्यवस्था जो है मुकम्मल व्यवस्था है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अधिकारियों पर नजर रखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक क्राइजाला एक सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से भी जो मजिस्ट्रेट हैं उनको देखा जा सकेगा, पता कर सकेगा, अधिकारी पता कर सकेंगे, डीसी पता कर सकेंगे कि जो जिस मजिस्ट्रेट को कहा मैंने ड्यूटी दिया है उस ड्यूटी स्थल पर है या नहीं है। उस क्राइजाला ऐप को अब की बार पहली बार लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं अपने मैं इस मंदिर में 4 दरवाजे हैं जी। कोशिश करें अमरनाथ की वो तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंच सके, मंदिर के परिसर जो हमारे दर्शक है घर बैठे हैं वो बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर सके। जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। जरूर जरूर, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा दिखाए मंदिर का पंचशूल और पूरे कैंपस का नजारा कि किस प्रकार का मंदिर जो है श्रद्धालुओं से अटा पड़ा हुआ है। मैं आपको बता रहा था कि क्राइजाला ऐप के माध्यम से अधिकारियों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि मंदिर के जो मुख्य 4 दरवाजा है, चारों मुख्य दरवाजे के ऊपर हेड काउंटिंग मशीन लगाया गया है। अब की बार इस हेड काउंटिंग मशीन से पता कर सकेगा कि मंदिर परिसर में कितने लोग हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो क्यू कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा संस्कार मंडप है, जहां पर कांवरियों का एक पूरा का पूरा आप कहें कि क्यू एक लगाया जाता है, उस क्यू सिस्टम में भी कितने लोग उसमें आए हुए हैं, कितने लोग हैं तत्काल में मंदिर के उनके कुछ क्यू में लगे हुए हैं, इसका भी पता किया जा सके। तो जिला प्रशासन अब की बार बहुत ही फुक फुक के कदम रख रहा है। एक तो यह है कि अब की बार प्रशासनिक तौर पर भी ये माना जा रहा है कि पिछले बार से ज़्यादा, यानी कि लगभग 30-40% लोग अब की बार ज़्यादा आएंगे। कारण ये रहा है कि दो साल यानी कि कहें कि कोरोना के कारण बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक लोग नहीं कर सके हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये पूरा का पूरा अगर हम देवघर की हम बात करें जो 105 किलोमीटर की
यात्रा की मैं बात करूं जो सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तक का होता है, इस पूरे रास्ते में कहिए कि मिनी भारत, लघु भारत का नजारा देखने को मिलता है, चाहे वो सिक्किम के क्यों ना हो कांवरिए, या फिर या हम कहें कि जयपुर राजस्थान क्यों नहीं हो कांवरिए, हर जगह की कांवरिए, पूरे देश के कोने कोने से कांवरिए आते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, विदेश से की बात करें तो नेपाल से भी भारी संख्या में कांवरिए यहाँ आते हैं और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। जी राजा अमरनाथ, कल पहली सोमवार आज है और जाहिर तौर पर इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए कल पहली सोमवार है और उसको लेकर के प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी किया गया है। देखिए शाम जैसे ही होगा, शाम के वक्त से प्रशासन की पैनी नजर हो जाएगी देवघर आने वाले कांवरियों के ऊपर। मैं आपको बताऊं कि अगर पिछले बार की अगर हम बात कर लें, पिछले यानी कि 2 साल पहले की बात कर लें, तो देवघर कांवरियों के आने का जो प्रवाह था, जो सैलाब था, वह 1 मिनट में लगभग 120 लोग 200 लोग के संख्या में आते थे। अब इसी से आप समझिए कि 1 मिनट में लगभग 12,000 एक घंटे में लगभग 12,000 कांवरिए बाबा बैद्यनाथ के नगरी में प्रवेश कर रहे थे। तो उसी हिसाब से आप समझिए कि कितना का भीड़ देवघर में लगा होगा। और इसी कारण से प्रशासन अब की बार जो हेड काउंटिंग मशीन जो लगाया है, इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ कई जगह होल्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं। देखिए अब की बार सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन केंद्र सरकार की ओर से अमृत योजना के तरफ से, मैं आपको बताऊं कि 10,000 कांवरियों के ठहरने के लिए जो ये झारखंड का प्रवेश द्वार है दुमा और देवघर के बीच में एक स्पिरिचुअल सेंटर बनाया गया है, जहां पर कि 10,000 कांवरिए एक साथ विश्राम कर सकेंगे, सो सकेंगे, आराम कर सकेंगे। चलिए तो 2 साल के बाद ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है अमरनाथ, और जाहिर तौर पर कांवरियों में उत्साह है, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनमें उत्साह है कि कोरोना काल में 2 साल ऐसा मौका नहीं मिला था जब बाबा नगरी में पहुंचकर जलाभिषेक किया जा सके, लेकिन अब उन तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए कांवरिया पहुंच रहे हैं और पूरे श्रद्धा भाव से बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंच रहे हैं, वहां पर जलाभिषेक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहे न्यूज 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।